आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, देखिए ये यस मीटर में है, ये टाइम सेकेंड में है और आपको ये ग्राफ गिवन है। ये देखिए यहाँ टी इक्वल टू जीरो पे इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस यस नॉट दिखाया गया है। टी इक्वल टू टी नॉट टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। पहले ये निगेटिव में डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ है, फिर डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद टी इक्वल टू टी नॉट पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। डिस्कस विदर द मोशन इज एक्सलेटेड आर नॉट, डिस्क्राइब द मोशन, आपको बताना है कि मोशन एक्सलेटेड है या नहीं है और इस मोशन को डिस्क्राइब करना है। आपको गिवन क्या है, यस नॉट, ये कितना गिवन है 20 मीटर, टी कितना गिवन है 4 सेकेंड, मीन्स ये गिवन है आपका 4 सेकेंड और ये आपको गिवन है 20 मीटर, ये 20 मीटर आपको गिवन है, ये 20 मीटर। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है और जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक कर्व हो तो वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है बॉडी और जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक कर्व हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही, कैसे चल रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो मोशन ये यूनिफॉर्म मोशन होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा जीरो होगा। ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन ये जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगी, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी, मीन्स इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब आप देखें एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस 20 मीटर, एट टी इक्वल टू जीरो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन इज माइनस 20 मीटर, टी इक्वल टू जीरो सेकंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मेन पोजिशन से कितना है माइनस 20 मीटर, कितना है माइनस 20 मीटर। अब वेलोसिटी वी जो है, वेलोसिटी वी, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 4, तो ये आ जाएगा 20/4 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और t इक्वल टू जीरो पर कहाँ है माइनस 20 मीटर पर। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए ये पार्टिकल है, ये देखिए ये मोशन है इसकी, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट है। पार्टिकल t इक्वल टू जीरो सेकंड पर जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया यहाँ माइनस 20 मीटर पर था, ओरिजिन से माइनस 20 मीटर पर था और राइट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, मीन्स ये एक पार्टिकल है जो कि t इक्वल टू जीरो पर माइनस 20 मीटर पर है ओरिजिन से और 5 मीटर पर सेकंड से ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तो मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व हो या पैराबोला हो तो उस केस में वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। ओके, तो ये रहा आपका ग्राफ पर बेस्ड न्यूमेरिकल। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।